मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शिक्षकों और कर्मचारियों के 24,178 पदों पर भर्ती के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ठगने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, कुछ सातिर लोगों ने एक ऐसी फर्जी वेबसाइट जिसका नेम upssb.org है को बनाकर पब्लिश किया और उसमें एक फेक नोटिफिकेशन बनाया गया जिससे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। यानी कि जो भी युवा उस नोटिफिकेशन को पढ़कर फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन और वो फीस सबमिट करेंगे, वो सारे के सारे फीस उन छात्रों के अकाउंट में चली जाएगी। यानी कि शिक्षित रोजगार युवाओं को ठगने की एक बहुत ही अच्छी योजना जो है उन्होंने बनाई, जो कि शायद अब कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय रहते इस चीज़ का पहले पता चल गया कि वो वेबसाइट जो है फर्जी है। अभी भी जिन युवाओं को इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और उस वेबसाइट के बारे में बताएं, और आगे इस तरह के किसी और जो भी धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े की जैसी नियुक्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, इस तरह की और वेबसाइट बन सकती हैं जो कि देखने में आपको सेम हूबहू वैसे के वैसे ही लगेंगी। तो आप लोग कृपया ऐसी अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसके बारे में ऑफिशियल नंबर्स पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करके पहले उसके बारे में पता कर लीजिए, उसी के बाद आप जो है फॉर्म को फिल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि वो वेबसाइट कैसे दिखती है, अभी भी वेबसाइट चल रही है, और उस वेबसाइट में क्या क्या ऐसा है जिससे कोई भी युवा अगर सही से उसकी जांच ना कर पाए तो वो गलती से फॉर्म फिल करके फीस को शायद सबमिट भी कर चुका होगा और शायद आगे कोई कर भी देता। तो चलिए मैं आगे आपको सिस्टम पर ओपन करके बताता हूँ कि किस तरह से वो वेबसाइट आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने सिस्टम पर आ गए हैं और यहाँ गूगल में वो जो वेबसाइट दी गई है उसको आपको हम जो है दिखाते हैं। उस वेबसाइट का जो नेम है UPSSB, अगर हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं UPSSB करके जो है साइट को तैयार किया गया है, और इस साइट को जब हम ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो और ये कुछ स्कूल्स की फ़ोटो और कुछ बिल्डिंग्स की फ़ोटो को यहाँ पर लगाकर इसको एक जेन्युइन वेबसाइट बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में जो है इसका वेबसाइट का जो लुक है वो एकदम ओरिजिनल दिया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाया गया है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन लगा हुआ है जहाँ पर ना किसी अधिकारी का नाम है ना कोई मोहर है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि जो ये UPSSB जो ओरिजिनल आपकी जो रियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, ये वेबसाइट उसका अधिकृत वेबसाइट है, इस चीज़ को बताया गया है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखिए जो स्कूल्स कॉलेज की एक लिस्ट भी यहाँ पर जो है डाल दी गई है, और यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन एक ऐसा डाला है, यहाँ पर ये आप देख लीजिए इसको स्टाम्प को और सिग्नेचर को वहाँ से कॉपी करके डाला गया है। यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक पूरा पेज बनाया है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कोई भी जो इसके उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो इस पूरे फॉर्म को फिल करके सारे प्रोसेस को अपना के फीस भी जो है सबमिट कर सकता था। दोस्तों, इस वेबसाइट को अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक है UPSSC, बस यहाँ पर उन्होंने SSS के साथ बी कर दिया, यहाँ UPSSC अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट से बिल्कुल ये मैच करती हुई वेबसाइट है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
और इस वेबसाइट में भी आप ये देखिए, ऊपर का जो हेडर है वो दोनों वेबसाइट में एक जैसा दिख रहा होगा, और नीचे का जो फुटर है वो देखिए आप, इसमें भी जो सेम वैसा ही बनाया गया है। तो आप देखिए ये फेक वेबसाइट है, इसको उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का नाम दिया गया है, और यहाँ पर आप जो ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की, इस वेबसाइट को लेआउट को ही यहाँ पर जो है कॉपी किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है वो UPSESSB यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो है वेबसाइट है, तो यहाँ पर ही आपको सारे नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते हैं। आप इसी वेबसाइट को जो है फॉलो कीजिए और इसी वेबसाइट के थ्रू ही किसी लिंक पर जाइए। अगर आपको कहीं से कोई लिंक मिलता है या कहीं से कुछ भी मिलता है तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए जब तक कि उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर नहीं देख लेते। उस फेक वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी लगाई गई है, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो है इस प्रेस विज्ञप्ति में, यहाँ पर ये 11 सितंबर 2021 की है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इस विज्ञप्ति में ये देखिए 11 सितंबर 2021 आज 12 तारीख है, ये कल जो है प्रकाशित की विज्ञप्ति की गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org से मिलते जुलते वेबसाइट upsessb.org बनाकर उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नाम से स्कूल कॉलेज टीचर्स, स्कूल कॉलेज स्टाफ, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट तथा स्कूल कॉलेज ग्रुप डी फोर्थ क्लास के 24,178 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के लिए ली जाने का उल्लेख किया गया है। इस विज्ञापन से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज का कोई संबंध नहीं है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला संदर्भित कर दिया गया है। तो सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पदों के चयन के संबंध में निकाली गई सूचना को ही अधिकृत माने। यहाँ पर नवल किशोर उप सचिव जी के यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं और ये यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केवल इतना ही बताना चाहेंगे कि रियल और फेक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है, तो पहले आप उसको आधिकारिक विभाग से किसी भी तरह से आप जो है संपर्क करके उसको जानने की कोशिश कीजिए। बाकी आप लोगों को जो फॉर्म भरते हैं उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है वेबसाइट से देखकर, कुछ ना कुछ अंदर से हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ये वेबसाइट जो है फर्जी है या किसी तरह की है। तो यहाँ पर आप जो है ये देख लीजिए, ये वेबसाइट जो पूरी तरह से फेक है, और आप इस पर किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन ना करें, अपनी कोई भी डिटेल ना डालें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी हमारा युवा शिक्षित बेरोजगार इसका जो है फर्जी बड़े का शिकार ना हो पाए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इसकी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय।